का उसकी भूख, तो फिर अलग बात है, लेकिन आम एतबार सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं होना ये कोई उज्र नहीं है। किसी ने सवाल किया हामिला औरत रोजा रख सकती है क्या, आठवां महीना है। तो देखिए हामिला औरत इस मामले में डॉक्टर से कंसल्ट करे, ये मामला ऐसा नहीं है कि जो मैं शरई एतबार से आपको बता दूं। अगर डॉक्टर इस चीज का हल देते हैं कि इस महीने में खाना नहीं खाने से भी या खाने का टाइम टेबल चेंज करने से भी सेहत पर और खास तौर से बच्चे की सेहत पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो शी कैन गो ऑन, वो आगे बढ़ सकती है रोजा रखे। लेकिन अगर डॉक्टर कहता नहीं भूखा रहना ये ठीक नहीं है मेडिकली और तुम्हारी सेहत साथ नहीं देंगी, औलाद की जान का खतरा हो सकता है, तो लिहाजा ये इंसानी जान का मामला है, वो रोजा न रखे, वो रोजा छोड़ दे और औलाद की विलादत के बाद वो रोजों को कंप्लीट कर सकती है। और ऐसा लगे कि नहीं विलादत के बाद फिर रजात चालू हो जाएंगे, रजात के बाद फिर हो सकता है विलादत आ जाए, फिर रजात चालू हो जाए, तो फिर तो कई साल के रोजे छोटे होता है ना। कुछ औरतें समझ लीजिए मिसाल के तौर पर औलाद पैदा हुई तो एक साल वो रोजे चले गए, फिर रजात दो साल चल रही, अगर माँ खाना ना खाए बच्चे को दूध ना आए तो जाहिर सी बात है वो रोजे नहीं रख सकती फिर, इसलिए बच्चे का। लेकिन अगर ऐसा है कि खाना ना खाने के बावजूद भी उसके दूध का मसला नहीं है बच्चे का तो वो रोजे रख सकती है फिर, लेकिन मसला है तो वो भी छूट जाएंगे। फिर हो सकता है हामिला हो जाए, फिर औलाद का प्लानिंग हो, फिर रजात आ जाए, तो कई साल के छूट जाएंगे। इस मामले में क्या करें, तो याद रख लीजिए अगर ऐसा लगता है कि गो ऑन कंटिन्यू चलता जा रहा है और कहीं कई साल हो रहा है, तो उलमा लिखते हैं फिर वो हर रोजे के बदले फिदिया दे दे, एक मिस्किन को इंशाल्लाह खाना खिला दे तो उसके लिए काफी, फिर उसको खजा की जरूरत नहीं, चूंकि ऐसे 10-10 साल के रोजे खजा हो जाएंगे तो वो फिदिया देते जाए मामला हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आप हामिला है, महीना कोई भी हो सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अगर वो कहता है रोजे रखो तो आप जाइए आगे, अगर वो कहता है नहीं तो आप रोजे मत रखिए, ये उस पर डिपेंड है, बाद में उसकी खजा कीजिए, या फिर अगर मुसलसल कई सालों के छूटे तो फिदिया उसका दे दीजिए और इस साल का फिदिया अदा कर दीजिए। अल्लाह ने आगे सेहत दिया, तमाम चीजें दिया तो रख लीजिए, वरना फिदिया देने से इंशाल्लाह जैसे ये मसला हल हो जाए तो रोजे का फिदिया दे दिया गया था, तो आप इस तरह से कर सकते।